अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होगी। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी रेसिपी रसमलाई की। इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी। अच्छी और प्यारी रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप लोग को ये मेरी मीठे की रेसिपी कैसी लगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू रेसिपी। यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लिए हैं और 1 कप हमने मिल्क पाउडर लिए है, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच ऐसा 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 अंडा और यहाँ पर हमने 1 चम्मच मैदा लिए है और ये 50 ग्राम हमने लिए हैं शक्कर और ये हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, थोड़ा पिस्ता लिए हैं और थोड़ा बादाम। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट बढ़ा भी सकते हो। और यहाँ पर हमने लिए है फूड कलर। करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में हमने 1 लीटर दूध शामिल किए हैं, उसको गैस पे रख दिए पकने के लिए। अब यहाँ पर दूध में हम 50 ग्राम शक्कर ऐड करेंगे। हम अपने हिसाब से ऐड कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप ऐड कर सकते हो और ज़्यादा। इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स और दूध में हम अच्छे से बॉइल लाएंगे। अब यहाँ पर हम अंडे को अच्छे से फेट लेंगे। अब यहाँ पर एक साफ धुला हुआ बॉल हम लेंगे, उसमें हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे मैदा। अब इसको अच्छे से हम कर देंगे मिक्स। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सी इसमें अंडा ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमने इसको इस तरह से गूंथकर तैयार कर लिए हैं। अब आते हैं हम अपनी दूध की तरफ और यहाँ पर हमने दूध में इलायची पाउडर ऐड करना है और इसको हम अच्छे से दूध के साथ में मिक्स कर लेंगे इलायची को। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप 2-3 इलायची भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर हम येलो फूड कलर 2 चुटकी हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसके बाद हम बारीक कटे हुए बादाम ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे पिस्ता। आप लोग चाहो तो और भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हो। अब इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स और दूध को हमको पकाते रहना है गाढ़ा होने तक। अब यहाँ पर हम 2-3 बूंद केवड़ा एसेंस डालेंगे ताकि इससे अच्छी सी खुशबू आ जाए हमारी रसमलाई में। अब यहाँ पर हम इसके छोटे छोटे बॉयल हम इस तरह से अच्छे से निकाल लेंगे, फिर गोल गोल करके हम दूध में ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर हमने 1 कप बॉल में 1 कप मिल्क पाउडर में हमने इतना बनाकर कर लिए है तैयार। अभी हमने दूध में बॉईल आ रहा है, अभी हम इसको दूध में ऐड करेंगे। देखिए माशाल्लाह, ये हमारा लगभग दूध पककर गाढ़ा हो गया है और देखिए क्रीमी क्रीमी मलाई भी देखिए ऊपर आ गई है। अब यहाँ पर हम हल्के हल्के से इसको पुश करके इसको बिस्मिल्लाह करके डालते रहेंगे। बिस्मिल्लाह। अब यहाँ पर हमने सारे बॉल्स इसमें ऐड कर लिए हैं। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। यहाँ पर हम पैन को एक ढक्कन से कवर कर देंगे, उसको 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह 5 मिनट हो चुका है। अभी हम गैस को कर देते हैं बंद। देखिए माशाल्लाह ये हमारी रस मलाई बनकर हो गई है तैयार। अभी हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और सर्व करेंगे। देखिए माशाल्लाह अच्छी गाढ़ा गाढ़ा भी हमारा दूध है बनकर तैयार हुआ है और रस मलाई भी बढ़िया बनकर तैयार हो गई है।
चलिए अभी हम डिश आउट करते हैं। अभी हम इसको ये प्यालियों में निकाल लेंगे, उसके बाद ठंडा करके फ्रिज में फिर हम खाएंगे। बिस्मिल्लाह, एकदम हलवाई की तरह बनी है दोस्तों, ज़रूर ट्राई करना। देखिए दोस्तों, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी और लजीज रेसिपी बनकर हो गई है तैयार। अभी आप लोग माहे रमज़ान के महीने में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लोग को मेरी न्यू रेसिपी कैसी लगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।